बिना तेरे कोई दिल। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, तो दोस्तों इस तरह के स्टेटस वीडियो नोट वीडियो एप्लीकेशन से अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का ट्यूटोरियल आप लोगों के कहने पर मैं लेकर तो आता हूँ, बट व्यूज़ नहीं आता है। कल्हे वाले ट्यूटोरियल पर देख लीजिए, यही व्यूज़ है, 155 ठो व्यूज़ है। इंप्रेशन डाउन चल रहा है, एवरेज व्यू भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह तो पता नहीं यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। तो चलिए, मैं एडिटिंग तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। कल्हे के फाइल में मैंने आपको जीप फाइल दिया था, बट आज मैं आपको फुल एडिटिंग बताने वाला हूँ। जीप फाइल मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए, हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अब चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं हर रोज़ तो आपके लिए आपका मनपसंद ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो फ्रेंड्स क्या मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला नोट वीडियो का जो एप्लीकेशन है, इसे आपको ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, करेंट अपडेट आपको प्ले स्टोर पर ही मिलता है, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता, तो प्ले स्टोर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। यहाँ ऊपर प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करें तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। डीएसयू जो 16:9 देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, कस्टम पर क्लिक कीजिए। एक साइड में आपको 10-80 रख लेना है, तो यहाँ पे मैं 10-80 रख लेता हूँ, ओके करते हैं। दूसरे साइड में 13-40 कर लीजिएगा, या 23-40 नहीं, 13-40 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13-40 करके ओके करते हैं, कुछ इस तरह से आ गए। यहाँ पे प्रीव्यू रेजुलेशन 50 है, तो इसे 100 कर लीजिए। इससे आपको दिखाई देगा कि कितना अच्छा आपका क्वालिटी में, मतलब वीडियो जो आपका बन रहा है वो किस क्वालिटी में, आपको दिखाई देता रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे टैप करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद इमेज पे क्लिक करना है। सो गाइस, इमेज पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज एक ठो सेलेक्ट करना है, जो भी इमेज बैकग्राउंड में आप देना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने इसे डाउनलोड किया था गूगल से ही, जो फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, बस वही है, इसे ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, तो साउंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने आज आपको बताया नहीं था, तो मेरा गला पूरा भारी भारी लग रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद इमेज पे क्लिक कीजिएगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद सेकेंड वाला ये बेंच वाला इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, जिस टाइप का बनाना चाहते हो उस टाइप का ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इससे दोनों को, इसे भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्यूब वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है, फिर सेकेंड वाले को सिलेक्ट करना है, इस पर भी क्यूब वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसे आप इस तरह से नीचे की तरफ डाउन कीजिएगा, इतना अब जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो 150 में रहने देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे 150, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 150 पोजीशन का जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसे 150 मैंने कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, स्केल की मदद से इसे जूम कर देना है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पोजीशन की मदद से एडजस्ट कर लीजिएगा सेंटर में, और इस तरह से रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाले को भी सिलेक्ट कीजिएगा, इसे नीचे की तरफ पहले तो लेकर आइए, जैसे ज़मीन पे इसे रखना है उस तरह से, और फिर पोजीशन का जो लास्ट वाला बटन है इसकी मदद से इसे जूम आउट कीजिए, उतना कीजिएगा जितना पे ये गायब हो जाए। अब थोड़ा आगे लेकर आ जाइए कि इसे गायब तो नहीं करना है, तो इस तरह से इतना पे हम इसे रख सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर लेकर आइएगा, और फ्रेंड्स स्केल की मदद से इसे जूम कर लीजिए इस तरह से, और फिर इसे एडजस्ट कर लीजिए आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं। तो मैं इसे यहीं पर इस तरह से यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है, इतना पे। अब इसी का एक तो डुप्लीकेट कर लीजिए, तो 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कीजिएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट हो गया तो इमेज 1 जो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला फर्स्ट में दिख रहा है इसे सेलेक्ट करके 3 लाइन पे क्लिक करना, रिप्लेस में चले जाना है। जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, तो फिर इसमें ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर दो, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देते, इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसे एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करना है, स्केल की मदद से इसे आप छोटा कीजिएगा। छोटा करने के बाद यहाँ पर जो टेबल है, मतलब बेंच जो है, उस बेंच पर आपको इसे एडजस्ट कर देना है इस तरह से, जैसे लगे कि यह बैठा हुआ है यहाँ पर, तो परफेक्ट है। इतना पे इसे रख सकते हैं, या फिर थोड़ा और जूम करना चाहे तो जूम कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं इतना पे इसे रहने देता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना, प्लस के आइकन पर टैप करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने को वीडियो पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिरिक्स वीडियो, जो वीडियो आप लगाना चाहते हो उस वीडियो को ले लीजिए। तो मेरे रिसेंट में नहीं है, क्योंकि मैंने करेंट में डाउनलोड नहीं किया कोई। तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे वीडियो का ऑप्शन आता है, इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद फ्रेंड्स, जो भी वीडियो आप लेना चाहते हो उस वीडियो को ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मीडियम चल के वीडियो में चलता हूँ, और यहाँ पे फोटोज में चलते हैं। फोटोज में मेरा फाइल दिख जाता है, तो उसमें से हम डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोज में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिरिक्स वीडियो तो ऐसे काफ़ी सारे जो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, बट व्हाइट स्क्रीन में है, लिरिक्स जो है वो व्हाइट स्क्रीन बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पे देख लेते कोई सा भी जो एक अच्छा सा हो, तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे डन कर देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे डन करने पे यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। बस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर जो डन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टैप कर देना है। बट मेरा डन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कैमरा का आइकन रहता है, जो मैं क्लिक करता हूँ तो कैमरा बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो मैंने ऐड कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। जब आप डन कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा। मैं डन करके आपको नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि वहाँ पे कैमरा का आइकन रहता है स्क्रीन रिकॉर्डर का, तो वीडियो ही बंद हो जा रहा था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाया हूँ। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या कीजिएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड के बाद इसे रख लीजिएगा इस तरह से। इसे भी क्यूब वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए तो इस तरह से आ जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप पोजीशन का जो ऑप्शन देख रहे हैं तो इसका 3D नंबर वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से इसे जूम आउट कीजिएगा, अंदर की तरफ इसे कर दीजिएगा। इतना ही कीजिएगा कि गैप ना हो, थोड़ा नीचे करके इस तरह से, और ये देख सकते हैं नीचे चला गया। बस इतना पे ही स्केल के मदद से इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि पूरे स्क्रीन पे अच्छे से आपको ग्लो, जो लाइटिंग से आपका ग्लो हो तो दिखे। इतना पे इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोर पे क्लिक कीजिए, यहाँ ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है इस पर टैप करके एडिप्टिव क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। नीचे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे एक्सेस स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, ये न्यू वर्जन में एक्सेस स्टोर यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाता है। अगर नहीं भी दिखेगा तो सर्च वाले ऑप्शन में जाकर आपको सर्च पर क्लिक करना है ग्लो स्कैन। तो ग्लो स्कैन जब आप सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही ये मिल जाएगा। यहाँ पे इसका कलर जो भी आप ग्लो कलर ना चाहते हो वो कलर यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला ब्लू वाला रख लेता हूँ, व्हाइट के साथ ब्लू काफ़ी अच्छा लगता है तो इसे मैंने रख लिया। फिर यहाँ पे थ्री सोल्ड आप देख लीजिएगा, बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसे आगे कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा। अब देख लीजिए थ्री सोल्ड को आप बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो थ्री सोल्ड को उतना ही रहने देते हैं, 0.2 क्या था जो था उसे ही रहने देंगे, तो 25 था मैं इतना ही रहने देता हूँ। रेडियस भी आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, इसे बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ 135। इसके बाद इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, तो 1.5 इसे रख लेते हैं। बस इसका काम इतना ही था, इसे छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर टैप कीजिएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका वीडियो काफ़ी बड़ा दिख रहा है और भी मटेरियल जो है छोटे छोटे हैं, तो आपको क्या करना है मटेरियल पे क्लिक करें। यहाँ पे टाइमिंग भी आ जाता है, आप अगर चाहते 30 सेकंड बना 30 सेकंड बना सकते हैं, या फिर वीडियो के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से करके। स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ तक आ जाता है, कभी कभी आगे तक चला जाता है तो आपको बैक करके यहाँ पर लेकर आना है और फिर इसके बराबर में करके छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से बस 3 ठो इमेज मैंने यहाँ पर यूज़ किया था और लाइटिंग से वीडियो यूज़ किया था, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी है। फिर इसे एरो पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 3D सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर लीजिएगा। कैमरा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 2 ठो ऑप्शन आपको दिखेगा, पोजिशन, रोटेशन, और यहाँ पर FOV दिख रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, FOV को आपको कुछ नहीं करना, इसकी मदद से भी जूम होता है, आप देख सकते इस तरह से। इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ये 60 था इसे 60 ही छोड़ देते हैं, जितना था उतना इसे कुछ नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं फ्रेंड्स, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखे, पोजीशन और रोटेशन दोनों को ऑन कर दीजिएगा। दोनों पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये वाला पॉइंटर को स्टार्टिंग में रखिएगा, एक की लगाइएगा, एक की लगाइएगा नीचे भी, फिर थोड़ा आगे आइएगा और यहाँ पर भी एक की लगाइएगा, फिर नीचे वाले में भी एक की लगाइएगा। अब स्टार्टिंग वाले पे आ जाइए, इसे जूम कर दीजिए इस तरह से, यहाँ पे पोजीशन का लास्ट वाला बटन की मदद से जूम होगा। फिर ऊपर की तरफ करने के लिए इस तरह से कर दीजिएगा, और लेफ्ट राइट करने के लिए इस तरह से कर लीजिएगा। आप आसानी से कर पाएंगे, जब करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। और रोटेशन वाले बटन की मदद से इसे आपको प्लस में इस तरह से रोटेट करना है, तो इस तरह से रोटेट होगा। और फिर थोड़ा सा और जूम करते हैं यहाँ पर ताकि ये गायब रहे, ठीक है इस तरह से। तो जब यहाँ से प्ले होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे देख सकते हैं इतना पे आ गया। अब जब इतना पे आ गया तो आपको क्या करना है, फिर से इसे थोड़ा सा जूम कर देना है इस तरह से, और फिर इसे सेंटर में रखेंगे इस तरह से, फिर थोड़ा सा ऊपर करके, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये कहाँ इतना पे इस तरह से रोटेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आगे जाइएगा, आगे जाने के बाद इसे लेफ्ट राइट करना चाहते हैं और भी जूम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इतना तक हम इसे रखते हैं, थोड़ा सा जूम भी करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इस साइड में इतना तक रख लेते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, फिर से थोड़ा आगे जाने के बाद इसे अब दूसरी साइड में इतना पे ही लेकर आ जाना है, जितना तक लाइटिंग्स है। और फिर थोड़ा नीचे इसे करते हैं, नीचे करने के बाद इसे थोड़ा सा जूम आउट भी करेंगे इस तरह से, मतलब नीचे की तरफ डाउन होता हुआ जाएगा इस तरह से।
फिर से थोड़ा आगे आइएगा, इसे जूम आउट कीजिएगा इस तरह से, और थोड़ा आगे जाकर फिर इसे इस साइड में खींच लीजिएगा, इस साइड में। यहाँ पे देखिए कॉर्नर ना कटना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो नहीं आना चाहिए, इसे अंदर ही रखेंगे इस तरह से, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा आगे फिर से आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे इतना पे, फेस को ग्लो मतलब फेस से यहाँ पे लेकर आएंगे इस तरह से सेंटर में, और थोड़ा ऊपर इस तरह से, मतलब यहाँ पे 3D इफेक्ट देना है, सिर्फ आप इफेक्ट दीजिएगा। अब लास्ट में आने के बाद इसे बराबर कर लेते हैं इस तरह से, एकदम से परफेक्ट यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो रोटेट वाला इफेक्ट है, कुछ कुछ दूर पर हम हल्का हल्का रोटेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा इस साइड में दे दिए, फिर हल्का सा इस साइड में आने के बाद यहाँ पे हल्का सा दे देंगे, ये रहा इतना पे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे बराबर कर देंगे, जीरो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जीरो पर आएगा, तो इस तरह से अब आगे की तरफ देख लीजिएगा, कहीं पे कट तो नहीं रहा है, तो अभी आप देख सकते यहीं पे कट रहा है, तो कट रहा है तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा जूम कर देना इस तरह से बस। फिर थोड़ा सा आगे आइएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, अब ये कहीं पे भी नहीं कट रहा है, और हमारी स्टेटस जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो आपको एक्सपोर्ट करना होगा, वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार आप प्ले करके देख लीजिएगा। तो मैं साउंड इसका म्यूट करता हूँ, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते काफ़ी स्मूथली यहाँ पे आपका जो एडिटिंग है वर्क कर रहा है, मतलब आप जो एडिट किए हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट आपका मूव कर रहा है, इसमें कर्व नहीं लगा हुआ है, तो आप कर्व भी लगाना चाहते होंगे तो आपको क्या करना है, इसे लेकर स्टार्टिंग वाले की पे आना है, की पे क्लिक करना है। जब की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, की डिलीट करने का, कॉपी करने का और कर्व का। तो कर्व पे क्लिक कर लीजिएगा, कर्व पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाला, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हो गया, सेकेंड वाले पे आइएगा, फिर से सिलेक्ट कीजिएगा, थर्ड वाले पे जाइएगा, फिर से सिलेक्ट कीजिएगा, फोर्थ वाले पे जाइएगा, सब मतलब सभी पे आपको एक ही कर्व देना है। तो सब पे सिलेक्ट इस तरह से जाना है वहाँ पे, और आपको कर्व पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ही कर्व लग जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सभी पे लग गया, तो ये तो लगा आपका जो डायरेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ, उस पर लगा। अब दूसरा वाला, ये जो रोटेट वाला है, इस पर भी कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए रोटेट वाले कर्व पे क्लिक कीजिएगा, यहीं पे कर्व का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कीजिएगा, जो भी कर्व लगाना चाहते हो उसे लगा लीजिएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सबसे बेटर कर्व कौन में है। तो ये सब में तो नॉर्मल कर्व लगा हुआ है, तो इसे ही रहने देते हैं, ये फर्स्ट वाला कर्व जो है इसे, या फिर ये वाला भी आप लगाना चाहते लगा सकते हैं, या फिर ये वाला भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल बीच वाला जो है इसे रहने देता हूँ, देखेंगे कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, यहाँ पे भी वही लगा लेते हैं, फिर इसके बाद वाले में भी वही लगा लेते हैं, फिर इसके बाद वाले में भी वही लगा लेते हैं, फिर इसके बाद वाले में भी, बाद वाले में तो कोई कर्व ही नहीं लगा है, तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद एक बार प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा लगा। तो यहाँ पे तो आप इसे भी प्ले करेंगे नोट वीडियो में तो थोड़ा धीरे धीरे प्ले होता है, बट इफेक्ट जो लगा हुआ है हमें पता चल जाएगा कैसा लगा। तो काफ़ी अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है, आप अपना मॉडल इमेज यूज करके इस तरह की एडिटिंग करेंगे, आपके फ्रेंड पूछेंगे कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो सेव करना है, सेव करने के लिए ये वाली एरो पे टैप कर दीजिएगा, टैप करने के बाद ग्रीन बटन आपको देखने को मिल जाएगा, उससे पहले FPS 30 है तो इसे 60 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहले ही 60 कर लिए होंगे तो नहीं करना होगा, हाई पे क्लिक कर वेरी हाई कर लीजिएगा, नीचे ग्रीन बटन आ गया है इस पर आपको टैप कर देना है, वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। और मैं भी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आसानी से आप इस तरह की एडिटिंग कर पाएंगे, क्योंकि मेरे जितना आसान तरीका मैं आपको कोई भी एडिटिंग नहीं बताता है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि तबीयत मेरा बहुत गड़बड़ है, और फुल एडिटिंग तो मैं कभी आपको बताता नहीं था, बट व्यूज नहीं आते इसलिए फुल एडिटिंग बताना ज़रूरी था। मैं आपको जिप फाइल तैयार करके देता हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो खुद से जिप फाइल बनाइए, वीडियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।